हेलो दोस्तों, आप लोग का ESDTech में स्वागत है। जैसा कि आप लोग का 11th का एडमिशन को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है, सर किस तरीके से स्पेशल, अभी तक तो हम लोग का अलॉटमेंट कुछ भी नहीं आया, कोई भी कॉलेज नहीं आया। अगर अलॉटमेंट हुआ बट उसमें हम लोग का एडमिशन लेना नहीं था सर, अब यहाँ पर स्पेशल राउंड में किस तरीके से हम लोग को करना वो सब बता दो मैं सर। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर आओगे क्रोम ब्राउजर पर या गूगल पर कहीं पर भी आप लोग 11th एडमिशन आप लोग को सर्च करना, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 11th पहले ही आप लोगों को वेबसाइट मिलने वाला है 11thadmission.org.in पे आप लोगों को सिंपल सा क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। देखोगे यहाँ पर बहुत सारा चीज़ ओपन होता है, जहाँ पर मुंबई, पुणे, नागपुर, आप लोगों का नासिक इस तरीके से आता है, बट आप लोगों जहाँ से बिलोंग करते हो वहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना। मैं तो मुंबई से हूँ तो मुंबई पर। अब यहाँ पर एक आता है ऑप्शन आप लोगों को देखने के लिए मेरे भाई, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन फ्रॉम, जो ऑप्शन नोट दिया गया है कि ऑप्शन जो फॉर्म आप लोग का पार्ट टू है वो अनलॉक हो चुका है स्पेशल राउंड के लिए। इफ़ यू वेंट, मतलब आप लोग चाहते हो अगर पार्टिसिपेट करना तो उसको लॉक करना भूलना नहीं मेरे भाई, आप लोग का पार्ट टू को फॉर्म को लॉक करना कंपलसरी है। सबसे पहले यहाँ पर आओगे, इसको कटिंग करते हैं, और यहाँ पर अगर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अगर कोई बंदा है, अगर वो चाहता है कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाए, अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो रजिस्ट्रेशन ही नहीं किए ना ही पेमेंट, तो मेरे भाई यहाँ पर इस पर आप लोग क्लिक करोगे एंड इस पर एंड यहाँ CSSC पे, और यहाँ पर अपना सीट नंबर डालोगे एंड यहाँ पर सीट नंबर डालने के जस्ट बाद आप लोग को यहाँ पर सब कुछ ही ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप लोग को क्या करना रहेगा, यहाँ पर एक मोबाइल नंबर दे देना, एक ईमेल आईडी, और यहाँ से क्वेश्चन आप लोग जो आप लोगों के रिलेटेड हैं, यहाँ पे देखोगे बहुत सारा क्वेश्चंस हैं, इसमें से जो आपको याद रहे, अगर बाद में पासवर्ड भूल जाते हो तो इसमें से क्वेश्चन लिख के यहाँ पर आंसर का दिया गया है, आंसर लिख सकते हो मेरे भाई, आप लोग को गलत नहीं होगा। और यहाँ पर एक आप लोग को पासवर्ड दिया गया है, री पासवर्ड वही कन्फर्म में डालना है एंड यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के जस्ट बाद यहाँ पर आप लोग को क्या खुलने वाला, पार्ट वन का आगे का आप लोग को वहाँ पर आप लोग को एड्रेस मेंशन करना रहेगा, पूरा एड्रेस आप लोग को फिलअप करना रहेगा कुछ, उसके बाद आप लोग को साइंस फिर पार्ट टू में जाओगे, वहाँ पर कॉल आप लोग को स्ट्रीम चुनना रहेगा, कॉलेज चुनना रहेगा, और 10 कॉलेजेस आप लोग को चुन के, और पहला भी फॉर्म को आप लोग को यहाँ पर लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। पार्ट वन जब आप लोग को पेमेंट कर दोगे तो उसके बाद आप लोग का पार्ट टू जब रहेगा तो ईजिली आप लोग को वहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप लोग को कहाँ पर से करना रहेगा, देखो यहाँ पर करोगे और इसमें क्या करना रहेगा, आप लोग सिंपल से इसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो आप लोग लॉगिन आईडी और यहाँ पर पासवर्ड आप लोग ईजिली यहाँ पर फिलअप करोगे तो आप लोग का क्या होगा, पार्ट टू फॉर्म आप लोग को खुलेगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ, और फिलअप करने के बाद आप लोग को बताता हूँ किस तरीके से आपको भी करना है। तो यहाँ पर एक जन का है तो मैं यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ, और फिलअप करने के बाद आप लोग को बताता हूँ किस तरीके से करना है। तो इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, एक चीज़ आप लोगों को नॉट एलिजिबल दिया जा रहा है, नॉट एलिजिबल, और यहाँ पर कंप्लीट नॉट लॉक, लॉक नहीं है, ऑटो वेरीफाइड है मेरे भाई, ये समझ के रखना। और इसमें आप लोगों को सिंपल तरीका, यहाँ पर कॉर्नर पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करने के बाद आपको सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा जो आप लोगों को अलॉटमेंट का एंड यहाँ पर पार्ट टू जो फॉर्म रहेगा उससे आप लोगों को क्लिक करना है। एंड यहाँ पर से क्लिक करने के बाद आप लोग देखोगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप लोगों को फिर से अपना फॉर्म को लॉक करना कंपलसरी। यहाँ पर जो भी आप लोगों को मेरिट लिस्ट है, आप लोगों का मार्क आया है एंड यहाँ पर कॉमर्स ले रहे हो, फिर से आज इस बार चेंज कर सकते हो ईजिली। तो यहाँ पर आप लोगों को सेव वाले बटन पे क्लिक करना, सेव वाले पे क्लिक करोगे, सेव वाले पे क्लिक करने का जस्ट आप लोग के आगे आओगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, देखो इसको मैं कटिंग कर देता हूँ, ये ऑलरेडी सेव हो गया। सेव होने के बाद जस्ट आप लोग को क्या करना है मेरे भाई, देखो यहाँ पर ये तो मैं कर दिया, यहाँ पर अब क्या करना है आप लोग को, कॉलेज सिलेक्ट करना है। कॉलेज सिलेक्ट करने के देखो यहाँ पर कॉलेजेस मैं चुना था, तो इसमें से आप लोग को कॉलेज भी आप लोग को फिर से क्या करना है, सिलेक्ट करना है। और किस तरीके से, इसमें से जो भी आप लोग को रखना है वो डिलीट भी कर सकते हो, रखना तो सेव नेक्स्ट वाले पे क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी परफॉर्मेंस है उस चीज़ को आप लोग को करने के बाद यहाँ पे सेव वाले बटन पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद यहाँ पर लॉक करना, यही चीज़ है मेन, यहाँ पर लॉक करना कंपलसरी आप लोग को है। तो इसे मैं लॉक कर देता हूँ, लॉक करने के बाद फिर से यहाँ पर आप लोग को सिंपल तरीके यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करने का ईजिली ये चीज़ यहाँ पर हो गया और ईजिली यहाँ पर आ गया, इसका प्रिंट आउट आप लोग ईजिली निकाल लेना। इस तरीके से अगर करते तो 100% आप लोग का यहाँ पर अलॉटमेंट स्पेशल राउंड में हो जाएगा।